अस्सलाम वालेकुम, आई एम निदा। मैं हूँ निदा और ये है मेरा चैनल निदा की आवाज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत 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 मुबारक हो। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है नया साल सबको लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2020 ने हम सबको बर्बाद कर दिया, तो इसको हंसी हंसी विदा करें जी। तो आज हम रात 12 बजे के बाद एक नए साल में, ज़िंदगी में, सफ़र में एक नया कदम रखने वाले हैं। इस दफ़ा हमने साल को नहीं, साल ने हमें बर्बाद किया है। अल्लाह करे जो जिसकी जायज़ हाजात है उसको पूरा करे। अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जिसकी जो जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे, उसका खुशियों से दामन भर दे। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर किसी के दिल में किसी के लिए बुग्ज़ है, किसी के लिए कुछ भी बुराई है, तो प्लीज़ उसको माफ़ करके, एक किनारा कश करके, 2020 की तरह उसको पीछे छोड़ के एक नए साल में कदम रखिए, नए ज़िंदगी में कदम रखिए और उनको माफ़ कीजिए। अगर आपको उनसे रिश्ता नहीं रखना, नहीं रखें, बट आप उनको माफ़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को अपना दोस्त सकता है। ऐसा शेर आपकी नज़र ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल हम सबको राज आए, इलाही आमीन। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो प्लीज़ उसको मना लीजिए, क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा नहीं है कि नाराज़ हैं तो नाराज़ रहने दें। प्लीज़, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो नए साल की तरह सब अपनी अपनी पुरानी यादों को, पुरानी कड़वी यादों को एक गड्ढे में डाल के दफन कर दें और अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सुनें, अच्छा अच्छा फील करें और दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली फ्रेंड्स अच्छे अच्छे बनाएं, और फैमिली मेम्बर्स से तो स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि हमें अपने आने वाले लम्हे और आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता। यही हमारे अपने हैं कि हमारा अपना साथ देते हैं। एक शेर उन लोगों के लिए जो हर लम्हा हर घड़ी बदलते रहते हैं, बट प्लीज़ मत बदला करें। हो सकता है आपके बदलने से, आपके रवैये के बदलने से किसी को बहुत तकलीफ़ होती हो। कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मियार बदलता है नसीबों की तरह। प्लीज़ कोशिश क्या करें कि आप ना बदलें, और क्योंकि लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, कि उसकी गलती है या नहीं है कि उसको आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें आपका हाथ भी है। आप पहले उसको अपनी आदत डाल देते हैं, वो अपने हों, बड़े हों, छोटे हों, बट कोशिश करें कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें और स्पेशली बदले नहीं। अल्लाह से स्पेशली दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल हम सबको, जो भी ज़ियारात के मुतवन्नी हैं और ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उन सबको मक्का मदीना की ज़ियारत करवाए। जिस जिसके दिल में जो जो जहाँ भी ज़ियारत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब करवाए, इलाही आमीन। क्योंकि इस साल 2020 में इस करोना ने हम सबको इतना बर्बाद कर दिया, किसी से हमारे प्यारों को छीन लिया, बच्चे बड़े बूढ़ों को हम लोगों से अलग कर दिया, हम लोगों की बच्चों की पढ़ाई, सबका फ्यूचर, सबकी जॉब्स सब ख़त्म कर दिए, ज़ियारात के रास्ते बंद कर दिए। तो अल्लाह ना करे कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो। अल्लाह करे जो जो 2020 में हुआ है वो सब 2020 अपने अंदर समेट कर निकल जाए और 2021 में सबके लिए बहुत अच्छा हो। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ किसी के करीब भी आए, इलाही आमीन। और बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आपके इर्द गिर्द हैं, भले थोड़े से रिश्ते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि उनको संभाल के रखें और उनको हमेशा स्पेशल फील करवाते रहें अपनी तरफ से कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर विद अ हैप्पी न्यू डेज। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ बताना मत भूलिएगा कि आपको न्यू ईयर की मेरी वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।